Hello friends, this is my second video on YouTube and this time you listen only my voice because I have some photos stuff for you. Photos of my designed garments for Raymond's Kaun Banega Master Stylist Season 2 program. Have a look please and don't forget to subscribe my fashion channel. I will back soon with new stuffs. Promise. जैसे कि आप ये पहला फोटो देख रहे हैं जो कि मैंने KBMS सीजन 2 के लिए जो जॉनल राउंड हुआ था दिल्ली में उसके लिए प्रिपेयर किया था. ये देखने में आपको बिल्कुल सिंपल सा एक जैकेट लग रहा होगा, यस, लेकिन इसमें मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने इसमें क्या कुछ नया ऐड किया था जिससे वहाँ के जूरी पैनल को मेरे को पसंद आया और मैं ग्रैंड फाइनल में जा पाया. ये आप इसका फ्रंट लुक देख रहे हैं जिसमें मैंने वाइट शर्ट के साथ इसको कोलाबरेट किया है. एंड ये सेकेंड इमेज जो आपके सामने आई है इसमें आप साइड व्यू देख रहे हैं. एंड ये इसका स्लीव व्यू है जिसमें आप देख रहे होंगे लास्ट जो काज जिसे हम बोलते हैं वो हमने रेड कलर के थ्रेड से करा है ताकि थोड़ा सा एक अपीलिंग लुक आए, थोड़ा डिफरेंट लगे, सिर्फ यही एक वजह थी. एंड ये आपका क्लोज लुक है स्लीव्स के बटन्स का ताकि आप देख सकेंगे हमने इसमें क्या कुछ नया डालने की कोशिश की है. एक रेड कलर के लुक से काफ़ी इसमें गेटअप आ गया, थोड़ा नोटिसेबल हो गया. एंड ये आप देख पा रहे हैं साइड व्यू. एंड ये आपका आ गया फ्रंट पैनल विद ब्लैक कलर कंट्रास्ट स्टोन. ये हमने एड ऑन किया है इसके अंदर ताकि थोड़ा सा न्यू गेटअप आ सके. एंड इसका फाइनल लुक जो आएगा वो ये आएगा, ये देख सकते हैं. ये डिज़ाइन था हमारा जो मैंने जॉनल लाउंज के लिए प्रिपेयर किया था. ये मैंने इसको रेडी किया हुआ है पीस और ये इसका फ्रंट लुक है और इसका लुक जो आया है स्टॉल के साथ काफ़ी गेटअप आया है. ये इसका फाइनल लुक है. अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक ब्लैक जो जैकेट है कोट है इसमें मैंने ये ब्लैक कलर का जो स्टोल डाला है ब्लैक कलर का, तो इससे काफ़ी गेटअप आ गया. आगे बढ़ते हैं और ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक इंडो वेस्टर्न बनाया है सेनेमोरियल कैटेगरी में. ये मेरा फाइनल के लिए गारमेंट रेडी है. इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने कॉलर पे लेस लगाई है एम्ब्रॉयडरी एंड फ्रंट पैनल में साइड बटन का स्टाइल दिया है और इसको टीम किया है मैंने ऑफ वाइट कलर का शॉल से. जी हाँ, शॉल से मैंने गेटअप इसलिए दिया है ताकि थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं कुछ जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं नॉर्मल ड्रेस होती है उसमें मैं हमेशा नया फ्लेवर ऐड ऑन करना चाहता हूँ और करता हूँ, तो ये उसी का एक आइडिया है, उसी का एक स्टाइल है. आगे फोटोज़ में आप देखेंगे इसका मैंने एक क्लोज लुक दिया है स्लीव्स पे. मैंने जो स्लीव्स के बटन होते हैं उस पर मैंने एक ग्रोश लगाया है. जी हाँ, इट्स अ वाइट लेपर्ड, तो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इसमें ऐड ऑन किया है ताकि थोड़ा सा नोटिसेबल लगे. देखिए, छोटी छोटी बातें ही जो हैं ड्रेस को अट्रैक्ट बनाती हैं, गुड लुकिंग बनाती हैं. और आप आगे देखेंगे थोड़ा क्लोज लुक है. ये मैंने ट्रिपल चेन का एक ब्रूश लगाया है जो अपर पॉकेट से होते हुए चेस्ट पैनल पे जाएगा, तो थोड़ा सा इससे अट्रैक्शन है. पीस में डेकोरेट करना ज़रूरी है. देखिए, हमारा पर्पस जो होता है ड्रेस का वो वेडिंग के लिए होता है और मतलब फंक्शन के लिए होता है जो हम नॉर्मल कपड़ों से अलग पहनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम नया चीज़ें ऐड ऑन करते हैं ताकि लुक अच्छा है. और ये शॉल का भी आप लुक देख रहे हैं इसमें जिससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है. एंड नेक्स्ट फोटो में आप देखेंगे ये आपका फ्रंट लुक है, थोड़ा क्लोज लुक दिया है. ये सनग्लास एंड जो मैंने टर्बन लगाया है जस्ट फॉर स्टाइल लगाया है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे कैरी करें साथ में. आप इसका नीचे का जो पहना है इसने फ्रंट पे, ये एक्चुअली गारमेंट जो फैब्रिक देख रहे हैं आप, ये रेमंड कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया था जिसको हमें डिज़ाइन करना था, तो ये डिज़ाइन आपके सामने है. एंड जो नेक्स्ट इमेज है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये मुंबई में मैं जब गया था, ये 27-28 फेब को हर साल रेमंड का प्रोग्राम होता है वर्ल्ड टेलर्स डे के उपलक्ष्य में, तो उसमें मैं अपने मॉडल को रेडी कर रहा हूँ उसी गारमेंट को जो मैंने आपको दिखाया था तैयार कर रहा हूँ. एंड सेकेंड इमेज देखिए, ये नेक्स्ट इमेज, इसमें एक जो मॉडल है ये बिल्कुल रेडी है स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, स्टेज पे रैंप वॉक करने के लिए. एंड दिस इज द नेक्स्ट इमेज. ये आप देख रहे हैं कि रैंप पे कैसा कर रहा है और सिर्फ कितने आप व्यूज देख रहे हैं, लोग एकदम इसको नोट कर रहे हैं कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है. और ये इसका बैक लुक है कि बैक से कैसा लगेगा. एंड आफ्टर ऑल दिस हमें भी स्टेज पे बुलाया गया, जितने भी वहाँ पे मास्टर स्टाइलिस्ट पहुँचे थे वो भी रैंप पे उन्होंने वॉक किया, अपना बताया, दिखाया कि कौन कौन थे. एंड द मोस्ट अमेजिंग पिक ये है कि जो आप देख रहे हैं फोटो में मेरे साथ खड़े हैं रेमंड कंपनी में रिटेल डायरेक्टर रिटेल मिस्टर मोहित अंजाल, जो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं. मैं इनसे जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है
और बाप काफ़ी अट्रैक्टिव नेचर के हैं, एकदम इनसे मिलके एनर्जेटिक फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। खैर ये जो मौका है इस समय मेरा फैशन ब्लॉग एंड फैशन चैनल जो आप देख पा रहे हैं, तो इनका मैंने इन्हीं के हाथों से, सर के हाथों से इनॉग्रल कराया है और एक छोटा मोमेंटो मैंने इनको गिफ्ट किया है सर को। स्मेल तो आप देख ही रहे फेस में। एंड हाँ, वहाँ पे जाके कुछ और भी नया करने को मिला, जैसे कि आप ही देख रहे हैं ये वहाँ के रेमंड की फैक्ट्री आउटलेट है रेमंड का, और उसमें वहाँ पे एवन का एक ये गेम लगा हुआ है जिसको मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी अच्छा लगा। ये तो जब हम फ्री हुए थे थोड़ा सा ब्रेक मिला था तब के टाइम का है। एंड नेक्स्ट इज दिस की जो वहाँ पे कंटेस्टेंट्स आते हैं, उन्होंने वहाँ पे जो लाइव गारमेंट बनाया है उसका एक फोटो दिखा रहा हूँ, साथ में मैं भी खड़ा हूँ। ये सब वहाँ के हाइलाइट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो देखे, और कुछ भी अगर आपको इसमें फीडबैक देना है मुझे आगे वीडियोज़ के लिए तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। एंड ये वहाँ से आने लास्ट डे जब मैं गया था Season-1 में, तो वहाँ से आने के बाद जो मैंने पाया वो मैंने ये पाया कि मैंने वहाँ से एक नया ब्रांड डेजन नाम से क्रिएट किया, डेजन लेबल रशिद। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को आइडियाज़ देते हैं कि वो अपने ड्रेसेस में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ सेल एंड मार्केटिंग करने नहीं बैठे हैं कि आप हमसे सामान लीजिए हम आपको ऐसा देंगे, हम आपको सिर्फ एक अपनी एक ओपिनियन देते हैं कि आप हमसे, देखिए ऑनलाइन आजकल आपने देखा होगा इस तरह की एडवाइस करने वाले आपको बहुत कमी से नज़र आते होंगे, या शायद ना के बराबर ही होंगे कि आपको कोई ऑनलाइन सजेशन दे सके कि आपको जो ड्रेस है उस पर आप लोग क्या वियर कीजिए जिससे आपके ड्रेस एकदम अपील बन जाए, एकदम शॉर्टिंग बन जाए, आपको नयापन लगे। जैसे आपने मेरे स्टार्टिंग में देखा गारमेंट, मैंने एक नॉर्मल जैकेट में एक स्टॉल डाला ब्लैक कलर का, उसको मैंने कैरी ऑन करा तो एकदम अट्रैक्टिव लुक आया, एकदम लोग नोटिस करते हैं। मैंने सेकेंड गारमेंट जो बनाया फाइनल के लिए, उसमें इंडो वेस्टर्न में आपने देखा मैंने शॉल के साथ इसको टीम किया था, तो एकदम अट्रैक्टिव लुक लगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें एक जो आपकी ड्रेस होती है काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है, तो यही हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आए। और भी हम क्या क्या नए नए डेवलपमेंट करते हैं मैं इसकी वीडियो आपको आगे अपलोड करता रहूँगा। तो ये जो नेक्स्ट इमेज है इसमें मेरा कंप्लीट डिटेल्स है, तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।